दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि क्या एग्रीमेंट करा लेने से कोई भूमि पर आपका अधिकार या हक एराइज होता है या नहीं होता है। दोस्तों अधिकांश हमने देखा है लोग एक एग्रीमेंट करा लेते हैं किसी एग्रीकल्चरल लैंड का या किसी मकान का, और उसके बाद वो ये समझने लगते हैं कि ये हमारी लैंड हो गई, हम इसके मालिक हो गए, और उस एग्रीमेंट में कुछ पैसा वो उस व्यक्ति को दे देते हैं जो उसका रियल ऑनर है, और उससे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लिया जाता है और उसको रजिस्टर करा लिया जाता है। रजिस्ट्री होने के बाद एक अधिकार जैसा उनको प्रतीत होता है कि हम इस लैंड के मालिक हो गए और अब ये लैंड हमारी हो गई। तो दोस्तों इस पर विधि क्या कहती है, हनीबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और अलग अलग हाई कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या प्रोविजंस हैं, तो दोस्तों आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का एग्रीमेंट करवाता है तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी संपत्ति का सौदा करते हैं, विक्रय की संविदा करते हैं, माने आप प्रपोजल देते हैं किसी व्यक्ति को, प्रस्ताव देते हैं कि वो आपको अपनी संपत्ति बेच दे, या वह व्यक्ति आपको प्रस्ताव देता है कि मैं अपनी संपत्ति बेच रहा हूं आप खरीद लीजिए, उस प्रस्ताव के बाद में आप उस व्यक्ति को पक्का करने के उद्देश्य से कि हम आपकी प्रॉपर्टी लेंगे, उसको कुछ बयाना राशि देते हैं। बयाना माने एडवांस। एडवांस जब आप कंसीडरेशन या धनराशि देते हैं तो उस बयाना राशि को लिखा जाता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही दे देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना पैसा दिया था और कितने रुपए में आपका सौदा तय हुआ। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए में आपने कोई प्रॉपर्टी या खेत तय किया, उस 10 लाख रुपए में आप उसका कम से कम 10% या 20% उस व्यक्ति को दे देंगे, 1 लाख या 2 लाख। तो जब आप 2 लाख रुपया दे रहे हैं तो आप 2 लाख देने के बाद एक एग्रीमेंट करवाते हैं, उसमें लिखा जाता है, आप दो पार्टी हो जाते हैं, एक आप और एक वो व्यक्ति जो आपको बिक्री करेगा, जो एग्रीमेंट कर रहा है, दोनों पक्ष प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष हो जाते हैं, और एक संविदा लिखी जाती है। उस संविदा की विषय वस्तु वो लैंड होती है जिसको आप लेंगे, और उसका जो प्रतिफल है अभी बयाना के तौर पर, प्रतिफल तो पूरा अमाउंट लिखा जाएगा, इतने रुपए में बिक्री है, और वो अमाउंट भी लिखा जाएगा जो आप दे रहे हैं, और उसको लिखने के बाद जो अमाउंट आप दे रहे होते हैं उस पर स्टैंप लगता है, और आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, और ये एग्रीमेंट में जो आप स्टैंप लगाते हैं वो जब आप बैनामा करवाएंगे तो उससे डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मूल बैनामे में 1 लाख रुपए के स्टाम्प लगने हैं और आपने 25,000 रुपए के स्टाम्प एग्रीमेंट में लगा दिए हैं, तो 25,000 रुपए के स्टैंप उसमें फिर नहीं लगेंगे। उसमें लिखा जाता है कि फला फला डेट में इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट में इतने रुपए का स्टाम्प लगा है, उसको घटा करके अब मूल बैनामे में इतने का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। लेकिन इस एग्रीमेंट को बनवाने से उस लैंड पर आपका कोई राइट एराइज नहीं होता है। इसको हनीबल सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा है, उसको मैं बता देता हूं कि एक केस है कौशल्या वर्सेस जोधाराम एंड अदर्स, ये भी 2020 के फर्स्ट वॉल्यूम में एपेक्स कोर्ट जजमेंट में उद्धृत किया गया है। इसमें कहा गया है कि डस नॉट कन्फर एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इस आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर, अर्थात केवल इस आधार पर कि आप प्रॉपर्टी का बैनामा करा लेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट करा लेने से आप उस प्रॉपर्टी के ना तो मालिक होते हैं, ना ही एग्रीमेंट के आधार पर आपको पोजीशन मिलता है। एग्रीमेंट कराने से आप दोनों लोग लीगली बाउंड हो जाते हैं कि आप उतने समय बाद, जो भी आपने उसमें पीरियड दिया है, उतने समय बाद उस लैंड का बैनामा करा लेंगे और उसके मालिक हो जाएंगे। और बैनामा होते समय ही आपको कब्जा ट्रांसफर होगा, पोजीशन ट्रांसफर पहले नहीं होता है, एग्रीमेंट में पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता। अगर पोजीशन ट्रांसफर होगा तब तो वो सेल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसकी धारा 52 विक्रय को परिभाषित करती है। तो विक्रय को परिभाषित करने में विक्रय में कंसीडरेशन का पूरा दिया जाना जरूरी नहीं है। उसमें भाषा शैली ये लिखी है कि कोई वस्तु, कोई संपत्ति, उसके स्वामित्व का अंतरण
कीमत के प्रतिफल में, कीमत के बदले विक्रय कहलाता है। और उसमें जो कीमत है वो या तो दे दी गई होती है, या दी जा रही होती है, या देने का वचन दिया गया होता है। तो पैसा देना आवश्यक नहीं है, उसमें एक टाइम भी दिया जा सकता है कि इसका जो प्रतिफल है वो हम इतने दिन बाद इस डेट को देंगे, तभी विक्रय हो जाएगा। और उसमें कब्जे का ट्रांसफर भी होगा। तो दोस्तों, जब भी आप एग्रीमेंट कराते हैं तो कब्जे का ट्रांसफर नहीं होता है, आपका कोई राइट राइज नहीं होता है, तो ध्यान दें। और हमने देखा है होता क्या है कि लोग एक एग्रीमेंट करा लेते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगते हैं, आपका एग्रीमेंट जितने रुपए का है उससे महंगी बेचते हैं, उसमें कुछ धन कमा लेते हैं। तो उस समय तक आपका कोई राइट इलाज नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति चाहे जिसने आपको एग्रीमेंट किया है तो वो आपको ही विक्रय करेगा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं करेगा। और चूंकि यहां डिस्प्यूट हो सकता है, थर्ड पर्सन को आपने ही बिक्री कराया और बाद में आप एक मुकदमा ले आए और काफी समय व्यतीत होने के बाद आप कहें ये प्रॉपर्टी हम लेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से ये हमें पता चल रहा है कि केवल एग्रीमेंट कराने से कोई लीगल राइट अराइज नहीं होता है। केवल इतना राइट आपका बनता है कि आप बाकी पैसा दे करके उस लैंड का बैनामा अपने पक्ष में करा लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।